जांजगीर चांपा में कस्टम मिलिंग कार्य में प्रगति लाने और भारतीय खाद्य निगम में 30 सितंबर तक चावल जमा करने के निर्देश कलेक्टर तानर प्रकाश सिन्हा ने दिए थे, लेकिन चावल जमा करने में लापरवाही बरतने वाले मिलर्स पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मामले को लेकर अग्रोवा राइस मिल पर खाद्य विभाग की टीम ने जाँच की है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम में धान जमा करने में रुचि नहीं लिए जाने पर मिल संचालक से 158 क्विंटल धान और 82 क्विंटल चावल जब्त किया गया है। जब्त हुई धान और चावल की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। जिला खाद्य अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि मिलर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आगामी वर्ष के लिए ब्लैकलिस्टेड किया गया है। अभी जो वास्तविक में स्थिति ये है कि हमारे यहाँ जो है लगभग 40,000 एमटी चावल हमको भारतीय खाद्य निगम में भी देना है एफसीआई, और एफसीआई में जो चावल देने की गति है वो चूँकि उसमें अंतिम तिथि 31 तारीख निर्धारित की है, 31 दिसंबर उसकी आखिरी डेट तिथि है, तो 31 दिसंबर तक हमको चावल पूरा जो हमारा टारगेट है वो जमा करना है। तो चावल जमा करने के दृष्टिकोण से कुछ राइस मिलर जो जिनकी गति इसमें धीमी है, मतलब धीमी गति से